हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन की रेसिपी, और वो भी बहुत इजी वे में। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं चिकन। तो इसके लिए मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है, और फिर इसे पहले हम मैरिनेट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ब्लैक पेपर। इन सभी को इसमें डाल के मिक्स करेंगे, और साथ में डालेंगे दही और लहसुन मिर्ची का पेस्ट। दही से क्या होगा कि चिकन बहुत सॉफ्ट हो जाता है और अंदर तक पक जाता है। और ये मैरिनेट करके आपको रखना है आधे घंटे तक, इसे मैरिनेट करके रख देना है। तो इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे। ये रेसिपी बहुत ईजी है बनाना, और कोई भी इसे बना सकता है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और सबको बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर ट्राई करना। और ये मैरिनेट हो चुका है, चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है। इसको अभी आधे घंटे के लिए साइड में रखेंगे, और फिर एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो मस्टर्ड ऑयल मैंने डाल दिया है। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसमें डालेंगे सूखे हुए खड़े गरम मसाले। तो उसके लिए मैंने लिया है, आप वीडियो में देख सकते हो मैंने क्या क्या लिया है, इलायची, लौंग, तेजपत्ता, लाल मिर्च, दालचीनी वगैरह। तो सबको ऑयल गरम होने के बाद इन सभी को डाल देंगे। ऑयल ध्यान रहे अच्छे से गरम होने दे, फिर डालेंगे, नहीं तो ठंडे में अगर डालेंगे तो अच्छे से कलर भी इसका चेंज नहीं होगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो ऑयल गरम हो चुका है, मैंने सभी खड़े गरम मसाले को डाल दिया है। इसे 2 से 3 मिनट हिला ले। मस्टर्ड ऑयल से चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप ये ऑयल यूज़ नहीं करते हो तो दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करते हो खाते हो। ये पक चुका है, अब डालेंगे इसमें प्याज। प्याज मैंने कट कर लिया है, उसके साइड में रखा हुआ है। तो जैसे ये होगा मैं प्याज डाल दूँगी इसके बाद। प्याज डालने के बाद इसे लाइट ब्राउन करने तक भून लेंगे। और प्याज भूनने में 4 से 5 मिनट लग जाएगा, इसे थोड़ा ब्राउन कर लेंगे, तब तक इसे भूनना है। और साथ में डालेंगे लहसुन मिर्ची का पेस्ट, लेकिन पहले प्याज को ब्राउन होने देते हैं। और इसमें ज़्यादा मसाले मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जब चिकन मैरिनेट किया था तभी मैंने सारे मसाले डाल दिए थे उसमें, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर। प्याज में थोड़ा लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, लहसुन से चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये फ्रेश मैंने यूज़ किया है लहसुन मिर्ची का पेस्ट। और भून लेंगे चिकन में, अभी जो चिकन डालेंगे इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैरिनेशन के टाइम पे मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। तो फिर अभी प्याज भी हो गया है और चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो फिर ये चिकन भी इसमें डाल के 2 से 3 मिनट तक इसे पहले भून लेंगे, फिर इसे ढक के रखेंगे। लेकिन पहले इसे अच्छे से भून लेते हैं। नमक भी मैंने मैरिनेशन के टाइम पे डाल दिया था, तो इसलिए भी मैं नमक भी नहीं डाल रही हूँ इसमें। इसे ऐसे ही 3-4 मिनट भूनना है, और उसके बाद कवर करके 10 से 15 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे। और साथ में मैं डाल रही हूँ चिकन मसाला, इससे कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे। तो सब डाल के अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, आप देख रहे हो।
और इसे बस भूनना है अभी, अच्छे से चारों तरफ मिक्स हो जाए। तब तक आपको भूनना है, सारे मसाले चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। चिकन, ये चिकन मैं बना रही हूँ, आप रोटी के साथ, ज़ीरा राइस, फ्राइड राइस किसी के साथ भी खा सकते हो। और ये अभी भून चुका है, अभी मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट तक छोड़ने वाली हूँ ताकि ये अंदर से भी सॉफ्ट हो जाए। वैसे इसमें दही डला हुआ है तो चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है अंदर से। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसके ढक्कन को हटाने वाली हूँ और आप देख सकते हो इसके अंदर से पानी बहुत इसमें से आ गया है और चिकन भी पक गया है। इसे अब बस भूनना है ताकि टेस्ट इसका अच्छे से और अच्छे से हो जाए। तो इसे भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। चिकन अच्छे से पक चुका है, दही था तो बहुत जल्दी पका देता है ये चिकन को, और इसे टेस्ट भी, ग्रेवी भी इसकी बहुत अच्छी बनती है दही डालने से। अगर आप चाहो तो ऐसे भी इसमें रोटी के साथ खा सकते हो, ज़रूरत नहीं है आपको पानी डालने की। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए ज़्यादा, रोटी के साथ खानी है तो आप ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन अगर राइस के साथ खाना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसके लास्ट में हरा धनिया डाल के रेडी है चिकन करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।